अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, ये रेसिपी तो मस्ट ट्राई रेसिपी है। टमाटर की चटनी आप एक बार इस तरह से बनाएंगे तो इसे बार बार बनाएंगे। बहुत ही सिंपल घर के मसालों से बनेगी, लेकिन बहुत टेस्टी बनती है ये चटनी। 500 ग्राम टमाटर ली हुई, बिल्कुल लाल टमाटर लेना है हमें, और इसे इस तरह से कट कर लेंगे दो पार्ट में और कढ़ाई में डाल देंगे। इसमें ऐड करेंगे आधा ग्लास ही पानी। इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 2 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, और सबसे इम्पोर्टेंट और इसका पूरा टेस्ट को बदल देगा वो है सांभर मसाला, 1 बड़ा चम्मच सांभर मसाले का, ये भी इसमें ऐड कर देंगे और इसे ढक के पकाते हैं। देखिए 15 मिनट हो चुका है, इसके लिड को हम हटा देते हैं। टमाटर लगभग गल चुका है, इसके अंदर सारे छिलकों को उतार देते हैं इसपे से। देखिए सभी को मैंने निकाल चुकी हूँ, आंच को कर देंगे बंद, स्मैशर से कर देंगे स्मैश। आपके पास आलू का स्मैशर होगा उसे स्मैश कर लीजिए, अगर आप चाहे तो हैंड ब्लेंडर से भी इसे ब्लेंड कर सकते हैं। देखिए सारा टमाटर बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है, सारे मसालों का फ्लेवर इसमें आ चुका है, इसे अब साइड में कर देते हैं। इसके तड़के की तैयारी करते हैं, लेंगे फ्राई पैन में डालेंगे 1 चम्मच भरकर तेल। ऐसे ही तेल हमारा गर्म हो जाएगा, इसमें डालेंगे 1 चम्मच मस्टर्ड सीड और इसे तड़कने देते हैं। 1 चम्मच साबुत जीरा, 1/4 हींग ऐड करेंगे। इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच चॉप गार्लिक, ये सारा फ्लेवर उतर जाएगा इसमें, राई जीरे का, हींग का, हल्का सा इसका कलर जब चेंज हो जाएगा लहसुन का। इसमें ऐड करेंगे 6 से 7 साबुत लाल मिर्च, करी लीव्स, 4 हरी मिर्च को मैंने बीच में से स्लिट करी हूँ ये ऐड करेंगे, 1 चॉप अनियन, प्याज को कर लेंगे अच्छे से फ्राई। सब चीज़ अच्छे से फ्राई हो चुकी है, इसमें ऐड कर देंगे टमाटर, टमाटर को स्मैश करके रखे थे ये इसमें ऐड कर देंगे। देखिए ये हमारी ज़बरदस्त सी टमाटर की चटनी रेडी हो गई है। इसे मिक्स देंगे तेल के अंदर, 1 मिनट के लिए पकने देंगे और टमाटर की चटनी रेडी हो जाएगी। अब तक कि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों को, अपनी फैमिली फ्रेंड्स में मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए और लाइक करना ना भूलिए। चलिए इसे आप सर्व करते हैं, ऐड कर देंगे हरा धनिया, इसे आप सर्व करते हैं।